हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। मैं मोमिता और स्वागत है आप सबका आज की क्वेश्चनियर सेशन में। आज की संडे क्वेश्चनियर सेशन थोड़ा सा अलग होगा, आगे जो भी आपने क्वेश्चनियर सेशन देखे हैं उससे काफ़ी अलग होने जा रहा है, क्योंकि थंबनेल से आपको पता चल रहा है मीशो रिलेटेड आपका जो भी कमेंट था वो हमने खुद से पढ़ा और उसमें रिप्लाई भी कुछ दिए हैं, लेकिन रिप्लाई इज़ नॉट इनफ, जस्ट नॉट इनफ। तो इसलिए मुझे लगा कि इस क्वेश्चनियर सेशन में सारे डाउट्स को क्लियर करना चाहिए कि आपने जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट जो भी आप भेजे हैं उसमें क्या सच्चाई है, कितना ये वीडियो जो मैंने लास्ट पब्लिश किया था कल वो फेक है, क्या मैं पेड प्रमोशन कर रही हूँ मीशो की तरफ से, ये वगैरह सारे सवाल का मैं जवाब देने वाली हूँ। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और एक बात यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता देती हूँ, आज के क्वेश्चनियर सेशन में इंस्टाग्राम से या फिर वीडियो के और दूसरे वीडियो के किसी भी कमेंट से मैं सवाल नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि इसका रीज़न यही है कि आपको इतना कुछ बताना है कि मैं वो सारे सवाल नहीं ले पा रही हूँ। वेरी सॉरी टू से दैट। आपको अगर वो सवाल फिर से आप पूछना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम करें, इंस्टाग्राम पे आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर आपको सेकेंड जो क्वेश्चन नेक्स्ट जो क्वेश्चनियर सेशन होगा संडे में उसमें मैं इंक्लूड कर दूंगी। तो इस हफ्ते में सिर्फ मीशो के ऊपर ही हम बात करेंगे, तो अगर आपको नहीं जानना है या फिर आप मीशो के ऑलरेडी सेलर है या फिर आपको ये वीडियो नहीं देखना है तो अभी आप स्किप कर सकते हैं। और अगर आप नए व्यूअर्स हैं और आपको नहीं पता कि किस पे चर्चा कर रहे हैं, किस वीडियो को लेके इतना सारा नेगेटिव या पॉजिटिव कमेंट आया है जिसमें कि मुझे क्वेश्चन या सेशन में इंक्लूड करना पड़ा, इसके लिए आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगी, तो आपको पता चल जाएगा। पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद अगर आप क्वेश्चन या सेशन ये क्वेश्चन या सेशन अगर आप देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किस पे चर्चा मैं कर रही हूँ। स्टेटमेंट है पार्थो रॉय, इनका स्टेटमेंट काफ़ी बड़ा है, लंबा है, तो मैं आपको पढ़ के नहीं सुना पाऊंगी। तो मैं इनका कुछ स्टेटमेंट मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप सेल करते हो तो बहस करना वरना मत करो, आपको अभी तक नहीं पता कि मीशो क्या क्या गुल खिलाता है। सीरियसली? तो पार्थो जी, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देती हूँ, तो आप ये बात जान लो, जब से आप मीशो और ई कॉमर्स के बारे में जानना स्टार्ट किए हैं उससे भी पहले मैंने अपना सेलिंग जर्नी स्टार्ट किया था और उसके बाद मैंने अपना सर्विस भी स्टार्ट किया। और इसका जो ये सेल मैंने स्टार्ट किया था 2012 में और मैंने अपना सर्विस स्टार्ट किया 2016 से। तो जब मीशो नया नया आया था मार्केट में तब से हम मीशो के सप्लायर्स का अकाउंट मैनेज कर रहे हैं, तब से लेके आज तक हमने काफ़ी सारे सप्लायर का अकाउंट देखे हैं, चेक किए हैं, लिस्टिंग किए हैं और उनका जो रिटर्न्स होता है उन पे मैनेज किए हैं, उनका अकाउंट मैनेज किए हैं। अगर आपको लगता है कि ये भी फेक है, ये भी मैं ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर बोल रही हूँ, तो आप सेलर्स ऑफ अमेजन की ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके आप चेक कर सकते हैं, मेरा स्टोरी भी पब्लिश हुआ था, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा कि मैं कब से इस इंडस्ट्री में हूँ और क्या क्या मैंने एक्सपीरियंस किया है। बहुत लोगों को पता है, इसे आपका गलती नहीं है, बहुत लोगों को ये लगता है कि मैं इतने कम उम्र में कैसे मुझे इतना नॉलेज मिला या इतना एक्सपीरियंस मिला, शायद किसी ब्रांड ने मुझे हायर ही किए हैं उनके बारे में बात करने के लिए, या तो फिर मैं कहीं से जान के पढ़ के फिर मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर, मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया है। तो भैया ऐसा नहीं है, आप अगर पूरा मेरे बारे में रिसर्च करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे बहस करने की बात ही नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ एक सप्लायर अकाउंट नहीं, मैं बहुत सारे सप्लायर अकाउंट हैंडल करती हूँ, मैनेज करती हूँ, देखती हूँ, रोज़ाना मेरा ये काम है, तो फिर मुझे बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप पहले अपने नॉलेज को, स्किल्स को ब्रशअप करो। और अभी तो मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगी, शायद आपका बहुत सारा कन्फ्यूजन है, आपका डाउट अभी क्लियर नहीं हुआ है, आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप जहाँ पर भी ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हो वो फिलहाल के लिए बंद कर दो। एक साल में आप पूरा इंफॉर्मेशन, नॉलेज और ई कॉमर्स कैसे काम करता है, कंसेप्ट अपना क्लियर करके फिर आप आओ। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जिस प्लेटफॉर्म पे सेलिंग करना चाहते हो उस प्लेटफॉर्म का रूल्स, रेगुलेशन, गाइडलाइंस, सब कुछ क्या क्या है ये जानने के बाद ही आप स्टार्ट करो।
इसलिए हमेशा कहा जाता है एक्सपीरियंस अगर है तभी आप स्टार्ट करो और नहीं है तो मत करो। मैं हमेशा अपने वीडियो से यही कोशिश करती हूँ कि जब आप नया स्टार्ट कर रहे हैं तो कैसे कैसे करेंगे इसका ही जानकारी मैं देती हूँ, उसके बाद कैसे ग्रो करना है इसका जानकारी देती हूँ। मैं सिर्फ जानकारी दे सकती हूँ, इम्प्लीमेंट करना, समझना और इसके बारे में सोचना आपकी जिम्मेदारी है। इक्विटी ट्रेडर पूछ रहे बता रहे हैं, अपना स्टेटमेंट ये है कि मेक वीडियो हाउ डू आई गेट मोर फेक ऑर्डर्स ऑन मीशो। तो ये एक्चुअली कटाक्ष करके ही कहा गया है, क्योंकि मैंने तो ये कहा था कि कैसे आपको ग्रो करना है मीशो में, लेकिन उन्हें यही लगा कि ग्रो तो कोई कर नहीं सकते हैं मीशो पे, तो क्यों ना मुझे फेक ऑर्डर्स कैसे रिसीव किया जाता है मीशो पे उस पर वीडियो करना चाहिए। अच्छा, इस पर फिर आगे क्या बोले हैं कि बिकॉज इस ऐप पर कोई भी ऑर्डर वेरिफिकेशन सिस्टम नहीं है, मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स फेक और डिलीवरी चार्ज टू हाई। हाँ, तो इनका कहना है कि इस ऐप पे मीशो पे कोई भी वेरिफिकेशन सिस्टम नहीं है कि वो फेक ऑर्डर्स है या सही ऑर्डर है। तो भैया आप यही बताइए कि फ्लिपकार्ट में कौन सा वेरिफिकेशन सिस्टम है, या फिर अमेजन पे कौन सा वेरिफिकेशन सिस्टम है, या फिर आप किसी भी मार्केट प्लेस में जाइए कौन सा वेरिफिकेशन सिस्टम है कि वो ये पता कर सके कि बायर्स फेक है या फिर वो रियल है। तो पहले तो आप खुद ही सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं। या तो आप सिर्फ मीशो पे ही सेल करके बहुत नाखुश है, या फिर आपको एक्चुअल में नॉलेज नहीं है कि, और आप अदर्स किसी मार्केट प्लेस को यूज़ नहीं करते इसलिए आपको एग्जैक्ट सिनेरियो नहीं पता, या तो फिर आप भगवान ही जाने क्यों ऐसा बोल रहे हैं। इसके बाद आपने क्या कहा कि मोस्ट ऑफ द ऑर्डर फेक एंड डिलीवरी चार्ज आर टू हाई। अब डिलीवरी चार्ज डिपेंड करता है लॉजिस्टिक के ऊपर, और मीशो ने फ्री शिपिंग दे रहे हैं हर सप्लायर को। तो फ्री शिपिंग का मतलब क्या होता है? मतलब जीरो होता है, मुझे तो यही लगता है। आपको जो पेनल्टी लगा है या फिर चार्जेस जो होता है पेनल्टी के हिसाब से, वो आप एज ए शिपिंग चार्जेस पकड़ लेते हैं कि पेनल्टी आपको लग रहा है मतलब यही शिपिंग चार्जेस होगा। मीशो जो कैलकुलेट करके बता रहा है ऐसे हमें फ्री शिपिंग दिखा रहे हैं लेकिन ऐसे हमें पेनल्टी लग रहा है। अब पेनल्टी के बारे में क्या क्या पेनल्टी लगा है, क्या लगेगा आपको, इसके बारे में फिर आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे, अभी नहीं बात करते हैं इसके बारे में। फिर आप ये देखते हैं कि और क्या स्टेटमेंट इन्होंने कहा है। इनका ये भी स्टेटमेंट था, ऐसा ही नहीं है ये मीशो यूनिकॉर्न 1.2 बिलियन का स्टार्टअप बना, सेलर को बहुत लूटा है इस ऐप ने, पेनल्टी लगा लगा कर, वर्स्ट सर्विस एवर। तो मीशो जो यूनिकॉर्न बना तो ये बोल रहे हैं कि ऐसे ही लूट के बनाया है, और इनका स्टेटमेंट ही देखिए, इन्होंने कहा है कि सेलर को बहुत लूटा है। तो आपका यहाँ पे कंसेप्ट ही गलत है। एक तो आप सेलर बता रहे हैं, सेलर नहीं होता मीशो पे, सप्लायर होता है। तो आपको पहले अपना कंसेप्ट यहाँ पे बिल्कुल क्लियर नहीं है कि सप्लायर किसे कहा जाता है, सेलर किसे कहा जाता है। भैया सप्लायर और सेलर अलग होते हैं। सेलर आप अगर फ्लिपकार्ट अमेजन पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको सेलर कहा जाता है, क्योंकि आप रिटेल प्राइस में सेल करते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट अपनी बायर को सेल करते हैं। लेकिन मीशो पे आप सप्लायर है, मतलब कि आपको अपनी प्रोडक्ट को होलसेल प्राइस में देना है, ऐसे कंपिटेटिव प्राइस में देना है ताकि आपके जो रिसेलर्स जो आपके प्रोडक्ट को सेल करेंगे उनको ज़्यादा, उनको उतना ब्रैकेट मिल जाए, उतना गैप मिल जाए अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे आपने डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आपके बिहाफ रिसेलर्स प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। आप यहाँ पे डायरेक्ट बायर को नहीं जानते हैं और ना बायर आपको जानते हैं, बायर आपको नहीं जानते हैं, बायर रिसेलर्स को जानते हैं। तो ये रिसेलर कोई भी हो सकता है। और आपने जो कहा ना कि फेक बायर्स, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझा देती हूँ। आप अगर मीशो पे सेल कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके पड़ोसी आपका रिसेलर हो, आपको नहीं पता, आपके पड़ोसी हो सकता है। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट ये है कि फेक बायर्स बहुत ज्यादा मिलता है मीशो पे। तो फेक बायर्स की अगर बात करें तो आप एज ए सप्लायर मीशो पे जितना कंपिटेटिव प्राइस में अपनी प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो आपके रिसेलर्स भी प्रोडक्ट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके उसे आगे सेल कर पाएंगे। तो आप अगर फ्लिपकार्ट अमेजन की तरह एज ए सेलर आप बोट करते हैं सप्लायर बन के, और रिटेल प्राइस पे अगर प्रोडक्ट को सेल करने के बारे में सोचेंगे तो आपको कभी भी सेल नहीं आएगा, और आपको ऐसे ही फेक बायर्स का ही आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि
क्योंकि आप अगर ऐसे प्राइस में प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं जो आपके रीसेलर्स को अपनी प्रॉफिट मार्जिन ऐड करने के बाद जो एक्चुअल कॉस्ट जा रहा है आपकी बायर्स तक, तब वो जब चेक कर रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट को उन्हें ओवर प्राइस लग रहा है। मार्केट में आपको हो सकता है कि वही प्रोडक्ट किसी कई और सस्ते में उनको मिल रहा है, तो फिर वो तो कैंसिल करेंगे वो आपको प्रोडक्ट को और आपको वापस भी भेजेंगे। तो इस तरीके से फेक बायर्स होते हैं, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है मीशो या मीशो की तरह ग्लो रोड, शॉप वन डॉट वन, जो भी ऐसे रीसेलिंग प्लेटफॉर्म है, वो काम करते हैं रीसेलर के माध्यम से। रीसेलर नेटवर्क से ही आपका प्रोडक्ट सेल होता है। यहाँ पे फ्लिपकार्ट अमेजन वाली बात नहीं है कि आप रिटेल में आप सेल करेंगे और आपके बायर्स तक आप डायरेक्टली आप सेल करते हैं। यहाँ पे रीसेलर नेटवर्क के थ्रू सेल होता है। तो यहाँ पे सप्लायर गलती यही करते हैं कि फ्लिपकार्ट अमेजन पे जो सेलर है वो ही बोर्ड हो जाते हैं मीशो पे भी एज ए सप्लायर। हाँ, मीशो को यहाँ पे एक चीज़ तो करना ही चाहिए कि वो जब सप्लायर को चूज करे ऐसे ही सबको ना बोट करे। जो सप्लायर मैन्युफैक्चरिंग अगर कर रहे हैं या फिर प्राइवेट लेवल है जो होलसेल प्राइस में अपनी रिसेलर को प्रोडक्ट दे पाएंगे, ऐसे सप्लायर या फिर ऐसे सप्लायर जो बिग स्टॉकिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्टली प्रोडक्ट को प्रोक्योर कर रहे हैं, तो वो होलसेल प्राइस में दे पाएंगे अपनी रिसेलर को वो प्रोडक्ट, ताकि रिसेलर भी प्रॉफिट मार्जिन वो ऐड कर पाए प्रोडक्ट पे, तभी जाके सेल होगा। नहीं तो ऐसे वो सप्लायर भी लूज करेंगे। तो मीशो को ये ज़रूर करना चाहिए, कोई डॉक्यूमेंटेशन या कोई रेस्ट्रिक्शन तो ज़रूर लगाना चाहिए कि हर कोई मीशो पे सप्लायर ना बने। ये मैं खुद ही कह रही हूँ, क्योंकि सप्लायर आप तभी बने जब आप प्रोडक्ट की प्राइस उतना कंपिटिटिव में प्राइस में आप दे पाए, ताकि आपके रिसेलर भी सेल कर पाए आगे और बायर्स को जो एक्चुअल आपका एंड कस्टमर है उन्हें ओवर प्राइस ना लगे आपके प्रोडक्ट। तो मुझे लगा था कि ये जो कॉमन सेंस है ये सब में होता है, और बिजनेस जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ये तो एटलीस्ट आप जानेंगे कि किस प्लेटफॉर्म पे आप सेल करने के लिए सोच रहे हैं। मीशो प्लेटफॉर्म अलग से काम करता है, फ्लिपकार्ट अमेजन अलग से काम करते हैं। इसे आप कभी कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि फ्लिपकार्ट अमेजन पे तो ऐसा नहीं हो रहा है, मीशो पे ऐसा हो रहा है, फ्लिपकार्ट अमेजन पे इतना फेक रिटर्न नहीं है, इतना फेक बायर्स नहीं है जितना मीशो पे है। तो दोनों को कंपेयर कभी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का बिजनेस मॉडल बिल्कुल अलग है। और आपने ये कहा कि ऐसे ही सेलर को लूट के ही 1.2 बिलियन का कंपनी बना है मीशो। तो मुझे ये नहीं पता कि आपको एग्जैक्टली पता है कि नहीं कि फेसबुक ने भी 185 करोड़ इन्वेस्ट किया है मीशो पे। तो फेसबुक का जो थिंक टैंक है, शायद वो उतना उनका उतना नॉलेज नहीं है कि ऐसे ही किसी भी फेक कंपनी को, जो कंपनी इतना सर्विस अच्छे नहीं देते हैं, ऐसे ही किसी कंपनी को वो इन्वेस्ट कर देते हैं। भाई मुझे तो नहीं लगता, मेरा इतना भी नॉलेज नहीं है कि मैं उनसे कंपेयर कर सकूँ खुद को। तो फेसबुक का जो थिंक टैंक है वो मेरे से तो ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, ऑफ कोर्स मैं इतना तो मानती हूँ। तो शायद मैं नहीं जानती हूँ आपको, आपका बैकग्राउंड भी मैं नहीं जानती हूँ, तो हो सकता है कि आपका नॉलेज ज़्यादा हो इसमें। लेकिन मुझे जो लगता है कि फेसबुक जैसे कंपनी जो एज ए इन्वेस्टर इन्वेस्ट किए हैं इतने ऐसे स्टार्टअप कंपनी को, तो मुझे लगता है कि ज़रूर पोटेंशियल है, तभी देखें। और ऐसे अगर फेक बायर्स है, ऐसे अगर बहुत सारे इश्यूज है, कोई भी सप्लायर सही से काम ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि फेसबुक जैसे कंपनी इन्वेस्ट करता। और आप अगर यूट्यूब पे भी देखेंगे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएगा, सारे वीडियोस तो फेक तो नहीं हो सकते ना, कि कोई भी रीसेलर रीसेलिंग करके कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ऐसे ही मीशो बस बस पैसा बर्न कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं और रीसेलर भी नहीं बन रहा है। क्योंकि रीसेलर अगर सक्सेसफुल बनते हैं तो किस प्रोडक्ट से बनते हैं, आप यही बताइए। मीशो तो डायरेक्ट तो सेलिंग नहीं करते हैं, राइट? सप्लाई ही प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, तभी तो रीसेलर्स को प्रोडक्ट मिलते हैं आगे सेल करने के लिए। तो रीसेलर अगर सक्सेसफुल हो रहा है तो फिर वो कैसे हो रहा है? तो ये तो बात वही हो गया ना, बेबी कैसे पैदा होगा बिना पेरेंट्स के? तो सप्लायर नहीं होंगे तो आगे फिर रीसेलिंग कैसे करेंगे, रीसेलर सक्सेसफुल कैसे बन सकता है? और अगर ऐसी ही बात करें तो मैं खुद ही एक रीसेलर हूँ, तो मुझे पता है इन एंड आउट कि रीसेलिंग नेटवर्क भी कैसे काम करता है और सप्लायर कौन से सप्लायर किस स्टेज पे है अभी मीशो पे, क्योंकि मैं भी रीसेलिंग करती हूँ तो मुझे भी पता है। तो इसके ऊपर भी मेरा आने वाले बहुत सारे वीडियोज़ में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी उसमें भी क्या क्या आप कर सकते हैं, किस तरीके से अपना
बिजनेस ग्रो कर सकते हैं दोनों ही तरीके से, रीसेलिंग से भी और सप्लायर से भी। और आपकी बात करें, आपको मैं बताना चाहूँगी, अगर आपको ऐसा इशू हो रहा है तो आप रीसेलर बन के देखिए, ठीक है। आप एज ए रीसेलर बनिए, फिर आप देखिए कि क्या इशू वहाँ पे हो रहा है, ठीक है। क्योंकि बाहर से देखने में बहुत इजी होता है, सप्लायर आप बने हैं तो आपकी किस कारण, किस गलती के कारण ऐसे रिटर्न्स आ रहे हैं वो तो मैं आपकी अकाउंट बिना देख के बता नहीं पाऊंगी। लेकिन जितना मैं जानती हूँ कि बहुत सारे सप्लायर यहाँ पे एज सेलर, एज ए सप्लायर बन गए हैं, तो प्राइस में वो कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपको ऐसे बायर्स और ऐसे रिटर्न्स आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, आप लोग कंप्लेन करते हैं कि रिटर्न शिपिंग कॉस्ट इतना ज़्यादा क्यों हमें लग रहा है जब कस्टमर रिटर्न कर रहे हैं। तो इस बात को भी आप समझिए कि मीशो भी एक स्टार्टअप कंपनी है और इनका खुद के लॉजिस्टिक नहीं है, ये भी रिलाई करते हैं थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। तो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक में तो पे तो करना होगा ना किसी को, जो आपके प्रोडक्ट जो शिपमेंट हुआ है वो पे कौन करेगा। फ्री शिपिंग वो देते हैं जब आप सक्सेसफुली ऑर्डर डिलीवर करते हो, कोई रिटर्न नहीं आ रहा है, क्योंकि एज ए सप्लायर वो आपको बोट किए हैं तो ये फैसिलिटी वो दे रहे हैं। लेकिन जैसे आपका प्रोडक्ट रिटर्न हो रहा है उस दौरान वो जो थर्ड पार्टी को जो पे करना होता है वो पेमेंट आपसे वो कलेक्ट करते हैं, तो इसलिए शिपिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अगर आप कंपेयर करें, हालांकि कंपेयर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बहुत लोगों ने कंपेयर ऐसे किए हैं कि रिटर्न का जो चार्जेस है फ्लिपकार्ट अमेज़न पे नहीं लगता है और यहाँ पे लग रहा है, हालांकि कोई भी फ्री नहीं है, कुछ भी फ्लिपकार्ट अमेज़न पे भी फ्री नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, रिटर्न चार्जेस आपको भले ही ज़्यादा लगे मीशो पे, लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखिए फ्लिपकार्ट अमेज़न पे जब आप सक्सेसफुली डिलीवर करते हैं, रिटर्न नहीं आता, तो क्या आपको शिपिंग चार्जेस वो वापस करते हैं? नहीं, शिपिंग चार्जेस आपको एक्स्ट्रा देना ही पड़ता है। लेकिन मीशो पे अगर आप सक्सेसफुली डिलीवर करते हैं और कोई रिटर्न नहीं आता, तो वो भी तो देखिए कि वो आपको फ्री शिपिंग दे रहे हैं, आपको शिपिंग के लिए कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे जैसे आपको रिटर्न आता है तो उन्हें वो कॉस्ट बियर करना पड़ता है, मतलब सप्लायर को कॉस्ट बियर करना पड़ता है, क्योंकि मीशो पे कोई ओन लॉजिस्टिक, इन हाउस लॉजिस्टिक नहीं है, यहाँ पे थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर के साथ टाई अप है मीशो। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है, जब आप सेलिंग करते हैं अगर रिटर्न आ रहा है तो आपको ये कॉस्ट बियर करना होगा। अब रिटर्न कैसे आप मैनेज कर पाएंगे इसके ऊपर तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया ही है, उसे आप फॉलो करेंगे तो रिटर्न आपको कम आएंगे। और भी मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपको ज़रूर बताऊंगी कि किस तरीके से और क्या क्या आप कर सकते हैं मीशो पे कि रिटर्न आप कम करें। इसके बाद राजीव मित्तल जी लिख रहे हैं, इस टाइप के पेड वीडियो डालकर तुम अपना तो फायदा कर लोगी पर अपने ही सब्सक्राइबर्स का बहुत नुकसान करवा दोगी। भैया जो भी वीडियो हम डालते हैं मीशो पे सब पेड वीडियो है। मेरे तो आने वाले वीडियोस में तो बहुत प्लान कर ली थी कि आने वाले मीशो वीडियोस में बहुत सारे कुछ बताने वाली थी, हालांकि मैं बताऊंगी वैसे भी, तो वो सारे वीडियोस पेड वीडियोस होगा। यानी कि मैं मीशो पे बात करूँ, कोई भी रिसेलिंग प्लेटफॉर्म ग्लो रोड की बात करूँ, तो वो सारे, और इनफैक्ट जो भी यूट्यूब में वीडियोस बना रहे हैं मीशो पे, ग्लो रोड पे, शॉप ऑनर पे, सब पेड वीडियोस है। तो और मैंने जो अमेजन पे वीडियो किया, अरे अमेजन की जो डायरेक्टर्स है अमेजन पे जो बहुत हाई पोजिशन पे हैं, मैंने जो इंटरव्यू भी किया वो सब कुछ पेड वीडियोज़ है। फ्लिपकार्ट का जो सक्सेसफुल सेलर अकाउंट मैंने दिखाया, अमेजन की जो सक्सेसफुल सेलर अकाउंट मैंने दिखाया, वो सारे वीडियोस पेड वीडियोस है। तो यानी कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, मीशो हो गया, सब मुझे इतना पे कर रहे हैं, एक वीडियो के ऊपर भी दूसरा वीडियो डालने की जरूरत ही नहीं है, मुझे इतना सब कंपनीज पे करते हैं, तो मैं तो ऐसे ही वीडियोस बनाती ही जाऊंगी और आपको तो कोई भी सोल्यूशन भी नहीं दूंगी, सर्विस भी नहीं दूंगी, अपना सर्विस कंपनी भी बंद कर दूंगी, क्यों जरूरत है मुझे इतना, मुझे अपने दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ये लगे कि मैं सिर्फ पेड वीडियोस ही बनाती हूँ तो आप मुझे अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जितना भी मेरा वीडियो आता है सबको डिसलाइक कर लीजिए, सबको, किसी को भी लाइक मत कीजिए, डिसलाइक कर दीजिए, और प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी मत करिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसे आप बता रहे हैं कि सिर्फ मुझे नहीं, आप पूरे पूरे यूट्यूब कम्युनिटी को जो भी मीशो के बारे में बता रहे हैं, इसका मतलब सारे फेक वीडियोज़ है, सब पेड वीडियोज़ है।
तो इसके आगे तो हमें कुछ कहना भी, मतलब इसका मतलब यही होता है कि अगर आप फेल हुए हो तो फिर सभी फेल हो गया है और कोई सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है। फिर आपने मुझे पॉइंट करके ये लिखा कि प्लीज़ डू नॉट थिंक आई एम इन योर हेटर्स, आई ऑल्सो वॉच योर ऑल वीडियोज़ एंड टू गेन नॉलेज, बट आपका जो बिग फिगर्स कैसे आ गया अचानक से, प्लीज़ क्लियरली शो दैट पेज। अरे भैया, उसमें अगर आपने गौर से देखे हैं तो वहाँ पे मैंने तीन अकाउंट दिखाए हैं। एक अकाउंट न्यू सप्लायर की डैशबोर्ड है, जिसमें कि आप जब न्यू डैशबोर्ड आपको मिलता है तो वहाँ पे क्या क्या ऑप्शन मिलता है जहाँ से आप देख सकते हैं, इसके लिए दिखाया गया है। सेकेंड अकाउंट में आपका वो पेमेंट के रिलेटेड भी दिखाया गया है कि कहाँ पे आपको पेमेंट और पेनल्टीज दिखाया गया है। तो आप एक बात बताइए, अगर ये फेक वीडियो है, अगर ये पेड वीडियो है, तो मुझे तो पेनल्टी वापस जीरो कर देना चाहिए था, क्योंकि पेनल्टी तो लगेगा ही नहीं। मुझे तो एक्चुअली फिगर शो करना है, मुझे तो पेनल्टी दिखाना ही नहीं है। भाई, करोड़ों का टर्नओवर जो होता है वहाँ पे लाखों का पेनल्टी भी लगा है, क्या आप वो चेक किए हैं? 100% श्योर है, मैं लिख के दे दूंगी आप वो चेक नहीं किए हैं। सिर्फ फिगर को देख के आपको इतना बुरा लग गया है कि आप वो कमेंट करने में मजबूर हो गए हैं। तो आप वो जाके फिर से देखिए उस जगह को, कि उस पॉइंट पे आप देखिए वहाँ पे मैंने क्या दिखाया है, कहाँ कहाँ आपको वो ऑप्शन दिखेगा, कहाँ कहाँ आप वो देख सकते हैं, पेनल्टीज भी कहाँ पे चेक कर सकते हैं, किस तरीके से पेनल्टीज आपको लग रहा है। तो मुझे तो बस फिगर शो करना था, जैसे और भी बहुत सारे वीडियोस मैंने देखा है सिर्फ फिगर शो करते हैं और कुछ दिखाते ही नहीं है वो। मुझे तो ऐसा करना चाहिए था, फिर फिगर्स हम दिखा सिर्फ दिखा के फिर हम चले जाते कि देखो इतना सेल हुआ है। वहाँ पे पेनल्टीज भी दिख रहा है, वहाँ पे आपका जो भी डिडक्शन है वो भी आप देख सकते हैं। तो लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया था अमेज़न पे, एक सक्सेस सेलर की मैं स्टोरी बताई थी और वहाँ पे स्क्रीन पे भी मैं दिखाई थी कि एक प्रोडक्ट के ज़रिए वो कैसे 6 लाख का भी सेल कर रहे हैं, वो भी एक वीक में। तो उसमें भी मुझे कमेंट ये मिला था कि ये जो वीडियो वो था वो भी फेक वीडियो था, वो जो फिगर्स थे वो भी मैनिपुलेट किया गया था। तो आप सोच सकते हैं कि अमेज़न पे भी ऐसा हो रहा, मैंने ऐसा दिखाया तो सारे वो वीडियोज़ फेक वीडियोज़ है। और अमेज़न जो दावा करता है कि हर साल वो करोड़पति बनाते हैं ढेर सारे, तो वो सब फेक है ना? ये तो ऐसे ही न्यूज़ फैलाया जाता है, इसका मतलब तो यही होता है ना? और मुझे ये हैबिट हो चुका है एक्चुअली कि ये सुनने का, कि जब भी आप किसी सक्सेसफुल सेलर की कहानी सुनाते हैं या फिर किसी अकाउंट दिखाते हैं सक्सेसफुल सेलर की, तो बाकी दूसरे सेलर जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं अपनी ही गलती के कारण, उनको पता नहीं क्या हो जाता है, उनको एक जलन हो जाता है और वो ऐसे कमेंट कर देते हैं। पार्थो रॉय बोल रहे हैं, मैम मैं अमेजन प्राइम एंड फ्लिपकार्ट ए फैशियर में वर्क करता हूँ, क्या मेरे से भी गलती की गुंजाइश है? तो जी हाँ, आपसे भी गलती हो सकता है, इनफैक्ट गलती आप ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि आपने पूछा कि फ्लिपकार्ट, आपने बोला कि फ्लिपकार्ट ए फैशियर में आप काम करते हैं और अमेजन प्राइम के साथ भी आप काम करते हैं, तो आपसे गलती नहीं हो सकता। अरे भैया, मीशो का प्लेटफॉर्म अलग है, फ्लिपकार्ट अमेजन प्लेटफॉर्म अलग है, उसे आप कभी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। उधर ही आपने गलती कर ली है, आपका नुकसान हो गया, मैं लिख के दे देती हूँ, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा मीशो में। जैसे मैंने कहा कि फ्लिपकार्ट अमेजन का मॉडल अलग है और मीशो का मॉडल अलग है, मुझे ये समझ में नहीं आता। 2021 हो गया है, इंटरनेट लिटरेसी इतना बढ़ गई है आज हमारे कंट्री में, फिर भी लोगों को इतना इंफॉर्मेशन है, इतना नॉलेज है, इतना यूट्यूब वीडियोस है, फिर भी आपका ये नॉलेज, ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि भाई ई कॉमर्स कैसे काम करता है, हर कंपनी कैसे काम करता है। आप बिना देख के, बिना नॉलेज के ऐसे ही आप सप्लायर बन जाता है, बन जाते हैं कहीं पे, ऐसे ही सेलर बन जाते हैं कहीं पे। अरे भाई, आप लोगों को ही तो जानकारी देने के लिए इतने सारे चैनल्स हैं, इतने सारे वीडियोस बनाते हैं, तो क्यों बनाते हैं इतना वो कंटेंट पे काम करते हैं, आपको अच्छी अच्छी जानकारियां देते हैं, क्यों देते हैं ऐसे ही टाइम पास करने के लिए? तो आप जब ऑनलाइन कहीं पे भी सप्लायर बनते हैं या सेलर बनते हैं, तो आपको उस प्लेटफॉर्म में जो रूल्स रेगुलेशन है या फिर कैसे काम करती है वो सबसे पहले जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्लिपकार्ट अमेज़न पे आपको, फ्लिपकार्ट अमेज़न की ओन लॉजिस्टिक कंपनी है जिसका सुविधा आपको मिलता है। मीशो अगेन वो रिलायड है, वो उनको रिलाई करना पड़ता है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर। तो फ्लिपकार्ट अमेज़न से आप देख रहे हैं मीशो कितना अलग है।
तो अलग प्लेटफॉर्म है, तो अलग वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन भी होगा, अलग से आपको फैसिलिटीज भी मिलेगा, लेकिन मैं इस मीशो वीडियो अपलोड करने के बाद इतना तो समझ गई हूँ कि आपको कंसेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। आप फ्लिपकार्ट अमेजन की तरह ही मीशो को भी ले रहे हैं, उसमें वही उसी तरीके से आप सेलिंग कर रहे हैं, जिसमें मुझे लगता है कि आप अनसक्सेसफुल इसीलिए बन रहे हैं। तो इसी के साथ मैं क्लोज करती हूँ। और हाँ, एक बात, जो कंफ्यूज हो गए हैं उनको मैं बता दूँ कि आपको नेगेटिविटी हर जगह दिखेगा, हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स है, मेरिट डिमेरिट है, तो आपको देखना है, जानना है, सही से फैसला करना है। फल समझना है। और पहले तो आप पूरा चीज़ को जान लीजिए, समझ लीजिए कि आपको कैसे आगे क्या फेस करना पड़ेगा, आपको क्या क्या चीज़ें ई कॉमर्स बिजनेस में ज़रूरी है और क्या क्या चीज़ों से आप बच सकते हैं अगर सही से फॉलो करेंगे। तो ये सारी जानकारी आप पहले लीजिए, उसके बाद अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करें। ऐसे ही किसी ने कह दिया या मैं भी कह रही हूँ, स्टार्ट मत करें, क्योंकि मुझे ये फील हो रहा है इतना सारा जानकारी देने के बाद भी लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, उसके बाद वो गलतियाँ कर रहे हैं और फिर आके वीडियो में ही कमेंट कर रहे हैं कि हम लोग अधूरी जानकारी देते हैं। तो पहले आप पूरा चीज़ को समझ लीजिए, अगर ज़रूरत है हम लोग हेल्प करने के लिए भी रेडी है। आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कि आपको क्या ये सही लग रहा है, गलत लग रहा है, तो आप सब कुछ जान बूझ के फिर आप करें, फिर आपको मुझे लगता है सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसी नोट के साथ मैं आज वीडियो ओपन करती हूँ, ओपन करती हूँ। चलो शुरू करें। तो आज इसी नोट के साथ मैं वीडियो क्लोज करती हूँ कि उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे दे दी हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, और बोलने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को, बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा ये वीडियो, डिसलाइक करेंगे, आप कर सकते हैं, अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलना नहीं छोड़ूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका समय शुभ रहे।